नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 से आगे के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग उपहार गाइड से प्रतिशत के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। उपहार गाइड का ये 12वां नंबर चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग पहुँच चुके हैं 7वीं वीडियो में। इससे पहले 6 वीडियो बनाया जा चुका है ना, कुछ कॉन्सेप्ट की वीडियो हैं और उसके बाद उसमें जो 1 से लेकर के 57 तक के सवालों का सॉल्यूशन करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग 58 से सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे जो वीडियो का सॉल्यूशन होता है सवालों का, उसमें काफ़ी मेहनत किया हुआ रहता है। कैसे हम लोग आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकें, इस तरह से आप लोगों को बताया जाता है ना। सबसे आसान मेथड यहाँ बताया जाता है और अगर दो मेथड है तो दो मेथड भी बताते हैं, और अगर उस सवालों को सॉल्व करने के जितने भी तरीके हैं उन सभी तरीकों को हम बताते हैं ताकि आपको किसी न किसी मेथड से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में नंबर क्वेश्चन है, एक किताब का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटा दिया गया, इसका शुरू का मूल्य 75 रुपया था, तो वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए, अगर किसी राशि को उतना ही बढ़ाया जाता है और फिर उतना ही घटाया जाता है तो उस राशि में कमी हो जाती है 1 स्क्वायर बटा 100% की। अगर किसी राशि को जितना परसेंट बढ़ाया जाता है उतना ही परसेंट अगर उसको कम किया जाता है तो उस राशि में कमी आ जाती है 1 स्क्वायर बटा 100% की। ठीक है, इतना की क्या हो जाती है, कमी। इसको याद रखेंगे, है ना, पहले वीडियो में इसको बताया गया था कि अगर किसी राशि को जितना परसेंट बढ़ाया जाता है उतना ही परसेंट घटाया जाता है तो उस राशि में कमी आ जाती है। कितने की कमी आ जाती है, 1 स्क्वायर बटा 100% की, यानी 1% बढ़ाया गया फिर उसको 1% कम कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, तो x के जगह पर रख देंगे 20, क्या रख देंगे 20, और स्क्वायर है इसका मतलब है कि 20 × 20 हो जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा, 100 है तो 100 और परसेंट है यानी कि कमी आएगा इसमें। याद रखना है कि अगर जितना बढ़ाया गया उतना ही अगर घटाया जाता है तो उसमें 1 स्क्वायर बटा 100% की कमी आ जाती है। यहाँ से काटेंगे इसको, 20 × 25 कितना, 100, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो बताइए कितने परसेंट की कमी हो रही है इसमें, 4% की कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 4% की। अब देखिए, उस वस्तु का जो दाम था ना शुरू में 75 रुपया था, कितना रुपया था, 75, तो उसका दाम अब क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया, 4% घट गया, तो 75 रुपया था, 4% हम लोग घटा देंगे यानी कि 4 बटा कितना 100, तो 4 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 100, 25 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 25 × 75 यानी कि उस वस्तु का जो दाम है ना कितना रुपया कम जाएगा, 3 रुपया। दाम कितना था उसका, 75 रुपया, 75 रुपया उस वस्तु का दाम था, लेकिन 3 रुपया क्या हो गया, 4% कम गया ना उसका दाम, तो 75 में से 3 घटा देंगे यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है वो आ जाएगा कितना रुपया, 72 रुपया। ठीक है, कितना रुपया आ जाएगा, 72 रुपया। इसका दूसरा मेथड भी हमारे पास है, दूसरा मेथड है, देखिए उस वस्तु का दाम कितना था, उस वस्तु का दाम था 75 रुपया। कितना था उस वस्तु का दाम, 75 रुपया। उस 75 रुपया में पहले 20% बढ़ा दिया गया। अगर उस वस्तु का दाम 100 मतलब 100% होगा, 20% बढ़ाएगा तो 20 जोड़ देंगे, 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 75 है तो इसका 20% बढ़ाया गया, मतलब कि 120 बटा कितना हो जाएगा, 100।
ठीक है, ये तो बढ़ाने के बाद आ गया, लेकिन फिर से क्या किया गया है, इसके दाम को कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया, ये बढ़ाने के बाद दाम आ गया, इसके दाम को कम कर दिया गया, तो इस 20% फिर कम कर दिया गया। तो अगर इस टोटल को हम लोग 100% मानते हैं तो 20% कम कर दिया गया, मतलब कि उस वस्तु का दाम कितना परसेंट रह गया, 80%। अब इसका 80% निकाल देंगे, 80%, तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको काटने की कोशिश करें, 10 से 10 कटेगा, यहाँ से 10 से 10 कटेगा। ठीक है, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। 5 से काटेंगे इसको तो 15 5 75 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 3 बार में, 2 और ये 2, 2 2 मिल के 4 हो जाएगा, है ना, 2 गुना 2 4, और 4 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, यानी कि 3 × 3 × 8, 8 × 3 = 24, और 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 रुपया। तो इस वस्तु का दाम कितना हो गया, 72 रुपया। अगर ऐसा सवाल रहता है तो जितना दाम है, ठीक है, 20% बढ़ाएगा तो 120/100 करेंगे, अगर पहले 20% कम कर देता तो इसको हम लोग 80/100 करते, है ना, फिर बाद में अगर 20% बढ़ाता तो बाद में 20% बढ़ाता तो 120/ कितना करते, 100 करते। तो जितना परसेंट कहेगा उतना 100 में ऐड कर देंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे, और उसके बाद जितना कम कहेगा उतना 100 में से घटा लेंगे और फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 में एक मजदूर का वेतन 50% कम कर दिया गया, अगले महीने उसका वेतन बढ़ाकर पहले जैसा कर दिया गया, इस प्रकार उसकी वेतन वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए ये मान लेते हैं ना कि मजदूर का जो वेतन है, उस मजदूर का जो वेतन है वो 100 रुपया है, मान लेते हैं कि मजदूर का वेतन कितना है, 100 रुपया। ठीक है, तो मजदूर के वेतन को 50% कम कर दिया गया, यानी कि नया वेतन, या 50% कम करने के बाद, 50% कम करने के बाद वेतन कितना हो जाएगा, अगर 50% कम कर देंगे तब वेतन कितना हो जाएगा, तो 50% कम करेंगे तो यानी 100 का 50% कितना होगा, 50, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा, 50, 50 रुपया हो जाएगा उसका वेतन, कितना हो जाएगा, 50 रुपये। देखिए अगर वेतन हम लोग क्या मानते हैं, 100 मान के बनाते हैं इसको, तो 50% कम करेंगे ना, इसका मतलब है कि 50 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो वेतन है कम करने के बाद आ जाएगा 50 रुपया, कम करने के बाद उसका वेतन कितना आ जाएगा, 50 रुपया। अब क्या बोल रहा है ना कि फिर से उसको क्या किया गया, उतना ही बढ़ा दिया गया, यानी 50% उसको फिर से क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 50% अगर बढ़ाएंगे तो 50% बढ़ाने पर, देखिए अगर हम लोग इसको 50% बढ़ाते हैं तो ये 50 रुपया पहले से था। ठीक है, अब 50 रुपया पहले से था तो 50 का 50% हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो 50 का 50%, 50/100 कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा कितना, 50 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में, तो 50 और 25, अब उसका वेतन कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। अब उसका वेतन कितना हो गया, 75 रुपया, पहले उसका वेतन कितना था, 100 रुपया था, अब उसका वेतन कितना है, 75 रुपया है, तो वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, वेतन पहले 100 था, है ना, उसको घटाया गया फिर बढ़ाया गया तब भी वेतन कितना आ रहा है, 75, यानी कि वेतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वेतन में कितने की कमी हो रही है, तो 100 रुपया में से 75 रुपया घटा देंगे, यानी कि 25 रुपये की कमी हो रही है, तो 25 रुपये का कमी है, इसका मतलब है कि प्रतिशत में भी कितना होगा, 25 ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग प्रतिशत कमी निकालेंगे,
तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए कमी कितने का हुआ, तो जितनी की कमी उसको ऊपर लिखेंगे। कितने से कमी है? 100 से कमी है, 100। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से हम लोग क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, बाकी इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्स मान करके हम लोग इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, चीनी का वर्तमान मूल्य 10 रुपये प्रति किलो है। पहले चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तथा फिर 10% घट जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी होती है? देखिए अभी चीनी का जो मूल्य है वो 10 रुपया है। पहले क्या किया गया कि चीनी के मूल्य को 10% बढ़ा दिया गया, फिर क्या कर दिया गया कि 20% घटा दिया गया, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसको ना दो तरीका से इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 50। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 60 है। देखिए चीनी का दाम कितना है, 10 रुपया है ना। चीनी की जो कीमत है, चीनी की कीमत है 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया कीमत है। अब क्या किया गया है कि चीनी की कीमत को 10% बढ़ा दिया गया। तो 10% बढ़ाने का मतलब है कि जो नया कीमत है ना, बढ़ाने के बाद चीनी की जो नया कीमत होगा, तो 10 रुपया उसका तो पहले से दाम था, और बढ़ाया गया कितना है, 10% बढ़ाया गया है इसको, 10% की वृद्धि। यानी कि अगर 10 रुपया पहले से था और फिर उसका 10% हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो 10% कितना होगा, 10 ही हो। 10% कितना होगा, यानी 1 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि नया कीमत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 रुपया। पहले से कीमत 10 रुपया था, 10% बढ़ाया गया, उसका कीमत कितना हो गया, 11 रुपया। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि 20% इसको कम किया जा रहा है। तो 20% कम करने पर, 20% कम करने पर जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, तो 20% अगर कम करते हैं तो 11 रुपया तो पहले से था, और इसको घटा देंगे हम लोग कितना, तो 11 का 20% है ना। 11 का कितना परसेंट घटा देंगे, 20%। तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100। 11 बटा कितना हो, ये यहाँ से आ जाएगा 11, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 11/5। यहाँ से हम लोग भिन्न का घटाव निकाल लेंगे, 11/5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और माइनस का 11 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, 5। तो ये यहाँ से आ जाएगा 44/5 कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, 44/5 कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से पूछा का गया है कि उसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी, है ना, उसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी। तो देखिए मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी, तो 10 रुपया यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 5×8=40 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 4×0 है ना, 4×0, तो 5×8 कितना हो जाएगा, 40। यानी कि नया कीमत कितना हो गया, 8.8 रुपया हो गया। ठीक है, तो कमी कितने का हुआ, कमी कितने का हुआ, तो पहले उसका जो रेट था कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 8.8 हो गया। तो 10 में 8.8 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 1.2। अब इसका हम लोगों को कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कमी जितना हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, 1.2। कितने से कमी हुआ, 10 से ना, तो 10 से कमी हुआ तो 10 नीचे लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, है ना। इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न में, है ना, इसका जो उत्तर आएगा कितने की कमी आ जाएगी,
12% की कमी आ जाएगी। तो इस प्रश्न का जो है 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, चल देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है ना 12% आएगा, ठीक है। ऑप्शन में हमारा 8% दिया है लेकिन ये गलत है, है ना। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बना करके चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे है ना इस कीमत की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे देखिए अगर किसी वस्तु का दाम को पहले बढ़ा दिया जाए तो जितना ये पहले वीडियो में बताया गया था कि अगर किसी वस्तु के दाम को बढ़ाते हैं, अगर पहले एक्स परसेंट बढ़ाया जाता है फिर वाई परसेंट बढ़ाया जाता है तो उसका जो कुल वृद्धि जो होगा वो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। कुल वृद्धि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, यानी एक्स प्लस वाई और प्लस का क्या होगा एक्स वाई और बटा में 100। लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है, यहाँ पे क्या है पहले वृद्धि किया गया है फिर क्या किया गया कमी किया गया, यानी कि वाई के पहले क्या होगा माइनस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अगर एक्स में माइनस वाई से करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई होगा और बटा में कितना हो जाएगा 100। तो पहले वृद्धि किया गया यानी कि 10 की वृद्धि, फिर कितना तो 20 की कमी किया गया माइनस 10 गुना में कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से 10 2 0 ये 20 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यहाँ से 10 हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा और इधर से क्या बचा 2 बचा माइनस का 2, तो 10 और माइनस का 20 में से 2 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से भी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 10 माइनस 22 कितना होगा माइनस 12% आएगा। तो माइनस 12% का मतलब है कि 12% की ना कमी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है सभी ऑप्शन क्या दिए गए हैं गलत दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 12% ही आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हम लोग इस मेथड से बनाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा आसान होगा, लेकिन जबकि इस मेथड से बनाएंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इसका टफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1% कम है, सोहन की आय मोहन की आय से 33.1% कम है तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखिए मोहन की आय से कम है, ठीक है। सोहन की जो आय है मोहन की आय से क्या है कम है, तो मान लेंगे ना मोहन की आय क्या है, मोहन की आय को मान लेंगे कि 100% है, ठीक है। मोहन की आय कितना है 100%, तो सोहन की जो आय है ना सोहन की आय मोहन की आय से क्या है कम है। तो सोहन की जो आय हो जाएगी टोटल में से यानी कि 100% में से घटा देंगे 33.1% तो यहाँ से हो जाएगा 100% माइनस 33 99 और एक कितना हो जाएगा 100 और बटा में कितना हो जाएगा 3%, है ना। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 से 3 में भाग लगाएंगे 3 बार में, 3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है 300%। और माइनस का हो जाएगा कितना 3 से 3 तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 200 बटा में 3%। सोहन की आय कितना हो गया 200 बटा में 3%, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसमें कि सोहन की आय से कितना अधिक है, मोहन की आय जो है ना सोहन की आय से कितना अधिक है। देखिए सोहन की आय हम लोग निकाल लिए, सोहन की आय निकाल लिए है ना, परसेंटेज अगर हटा देंगे तो हम लोगों को और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज हटा देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि अब मोहन की आय है 100 और सोहन की आय है कितना 200 बटा 3, तो कितना अधिक है, है ना। मोहन की आय जो है ना इससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक है देखिए कितना अधिक आय है तो 100 में से 200 बटा 3 क्या करेंगे घटा देंगे, यानी मोहन का आय 100 है सोहन का आय 200 बटा 3 है तो टोटल आय में से है ना इसको क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ से 100
तीन एक का एलसीएम लेंगे तो तीन आएगा, सौ से तीन में, एक से तीन में भाग देंगे तो तीन आ जाएगा, तीन में सौ से गुना करेंगे 300, माइनस का कितना हो जाएगा 200, माइनस का कितना हो जाएगा 200, और बराबर हो जाएगा यहाँ से 100/3। तो इसकी आय कितना अधिक है 100/3, कितनी आय अधिक है 100/3। अब निकालना है कि प्रतिशत कितना होगा, है ना, प्रतिशत में कितना होगा। तो देखिए कितना आय अधिक है 100/3 अधिक है, तो 100/3 को लिखेंगे ऊपर। कितना से अधिक है, है ना, कितना से अधिक है, तो कितना से अधिक है मतलब सोहन की आय से अधिक है, तो सोहन की आय 200/ कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 200/3। और परसेंटेज निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का बहुत सा सवाल हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो ये 100/3 इस तरह से रहेगा, और ये 200/3 है ना, तीन ऊपर चला जाता है, तीन ऊपर चला जाएगा और 200 नीचे आ जाएगा, तीन से तीन ख़त्म, दो जीरो से दो जीरो ख़त्म, यहाँ से क्या है 100% है, ठीक है। ये दो से कट जाएगा कितना, 50 बार में, दो से कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 100 से ही काटेंगे हम लोग, दो बार में कटेगा, तीन से तीन ख़त्म हो जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, 50% अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कितना परसेंट अधिक होगा, तो 50%, 61 का हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर कितना है 2। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में 25,000 वोट डाले गए, कि टोटल कितना वोट मिला है, टोटल वोट जो है ना, कुल वोट जो है, कुल वोट जो है 25,000 है, कुल वोट कितना है 25,000, कुल वोट 25,000 है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ, मत का मतलब क्या है वोट, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला होगा। देखिए यहाँ से ना इसको हम लोग कई तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जीतने वाला जो है, जीतने वाले को कितना मिला है 60%, जीतने वाले को मिला है, जीतने वाले को कितना मिला है 60% मिला, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना होगा, टोटल जितना वोट पड़ा वो 100% होगा, टोटल वोट कितना होगा 100%, जीतने वाले को जब 60% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा, तो हारने वाले को मिला होगा 100% में से 60% घटा देंगे, यानी कि 40% किसको मिला होगा, हारने वाले को। तो 25,000 वोट डाला गया, तो 25,000 का 40% निकाल देंगे तो वो मिलेगा हारने वाले को, किसको मिल जाएगा, हारने वाले को कितना वोट मिलेगा, तो 25,000 का निकाल देंगे हम लोग कितना परसेंट, 40%, ये एक दो जीरो ख़त्म हो जाएगा, चार से 25 चौके कितना हो जाएगा 100 और दो जीरो, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को मिला होगा 10,000 वोट, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा 10,000 वोट। ये था क्वेश्चन नंबर 62, यानी 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 62 का 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिनमें 3 अनुपस्थित हैं, टोटल 48 लड़की है जिसमें 3 अनुपस्थित है, बची हुई में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, बताएं कि कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य नहीं किया। देखिए कुल कितना लड़की है, कुल लड़कियों की जो संख्या है वो है 48, कुल लड़की कितना है 48,
तो अनुपस्थित कितना है? अनुपस्थित है 3। अनुपस्थित लड़कियों की संख्या कितना है? 3। तो प्रेजेंट कितना हुआ? उपस्थित लड़कियां कितनी हुई? तो उपस्थित हो जाएगी 48 माइनस का 3 मतलब 45। कुल लड़की 48 है, उसमें से 3 लड़कियां नहीं आई है, और उपस्थित जो है, जो प्रेजेंट लड़कियां हैं, वो कितना है? 45। ठीक है, अब 45 है और इसमें बोला जा रहा है कि जितना लड़कियां आई है उसमें 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, यानी होमवर्क करके नहीं आया। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया? देखिए, गृह कार्य नहीं किया कितना है ना, सीधा हम लोग इसको सोचेंगे। गृह कार्य नहीं करने वाली लड़कियां जो है, गृह कार्य नहीं करने वाली लड़कियां 20% है। कितने परसेंट है? 20%। तो यहाँ पे हम लोगों को गृह कार्य नहीं करने वाले लड़कियों के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि गृह कार्य करने वाली लड़कियाँ कितनी है। तो जब 20% नहीं करने वाली है तो गृह कार्य करने वाली कितना होगा? गृह कार्य करने वाली जो लड़कियाँ होगी वो 80% होगी, यानी कि टोटल 100 में से 20% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो ये है गृह कार्य करने वाली लड़कियां। अब यहाँ से 45 है, टोटल कितना है? 45 है। तो गृह कार्य करने वाली लड़कियों की संख्या निकालना है तो 45 का निकाल देंगे 80%। 80% का मतलब 80/100। काटेंगे इसको 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 चौके कितना? 36। यानी कि 36 जो लड़कियां हैं अपना गृह कार्य कर करके आई है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 63। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, शशि के पास कुछ रुपये हैं, है ना, कुछ रुपये हैं जिनमें 69% खर्च करने के बाद 93 रुपया बच जाता है। देखिए, यहाँ से हम इस प्रश्न को ना ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे, क्योंकि इस तरह का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत से सवालों में हम बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 64 है। 64 में कुछ रुपये हैं, मान लेते हैं ना कि कुल कितने रुपये हैं, तो कुल जो रुपये उसके पास है वो 100% है। कुल रुपये कितने हैं उसके पास? 100% है। ठीक है, तो इसमें खर्च कितना कर दिया? खर्च कितना कर दिया? तो खर्च कर दिया है 39%। खर्च कर दिया कितना? 69% खर्च कर दिया है। तो बचा होगा कितना? बचा होगा कितना? तो 100% टोटल था, इसमें से 69% क्या कर दिया गया? खर्च कर दिया गया। तो बचा होगा कितना? तो 30 और एक कितना बचा? 31% बचा। जबकि उसी, देखिए, ये परसेंटेज के रूप में बचा हुआ है, जबकि ओरिजिनली में उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? तो 93 रुपये बच रहे हैं। ओरिजिनली में उसके पास कितने रुपये बच रहे हैं? 93 रुपये। इसका साफ मतलब है कि प्रतिशत के रूप में 31% बच रहा है, जबकि उस का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है? 93। यानी कि 31% की वैल्यू 93 है, तो अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 93/ कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 या 93 हो जाएगा, यानी 1% का वैल्यू कितना है? 3। और निकालना है कुल कितने रुपए हैं, तो कुल कितने रुपए उसके पास है? 100% है। कुल कितने रुपए हैं? 100% है। तो 100% की वैल्यू निकालना है, यानी कि 3 × क्या करेंगे? 100 करेंगे, यानी कि टोटल उसके पास हो जाएंगे 300 रुपये। टोटल कितने हो जाएंगे? 300 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 64। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में
हरपाल का वेतन हरमीत के वेतन से 200 कम है। हरपाल का वेतन हरमीत के वेतन से 200 कम है। यदि हरमीत का वेतन 800 हो तो हरपाल का वेतन बताएं। हरपाल का वेतन जो है ना हरमीत के वेतन से 200 कम है। हरपाल का वेतन हरमीत के वेतन से कितना कम है? 200 कम। यदि हरमीत का वेतन 800 है, देखिए हरमीत का वेतन कितना है? हरमीत का वेतन, हरमीत का वेतन कितना है? 800 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हरपाल का वेतन बताइए, हरपाल का वेतन बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो हरपाल का वेतन कितना होगा? हरमीत के वेतन से 200 कम। हरपाल का वेतन क्या है? हरमीत के वेतन से 200 कम। तो हरमीत का वेतन 800 है, तो 800 में से हम लोग क्या करेंगे? 200 कम कर देंगे। 800 में से 200 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? यानी कि 600 रुपया हो जाएगा हरपाल का वेतन। यानी क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।